घोड़ा देखिए किसका है भाई, राजा जी का ही होगा, बांधा हुआ है कि खुला है? बांधा हुआ है ना। सुबह हो गई, सुबह हो गई। क्या रोल कर रहे हो? हाँ। तो ये बताता बताता नहीं है यार, कभी नहीं बताता है आज तक। रोलिंग कैसा? तो ये वालो, ये वाले लिव्स वंस एंड वेलकम टू द व्लॉग नंबर 48 जो भी है उसको नंबर हम लोग देख लिया जाएगा। और हम लोग इस समय हैं गाइस सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में ये जो जगह है ये हसनपुर रियासत है, सुल्तानपुर अवध का क्षेत्र, फिर पूर्वांचल भी इसमें आता है। ट्रैक किया जा रहा है यार, ये कैसा इंसान है ये। चार लोग देख लिए, चार लोग देखे, मैं बन गया तुम्हारे नाम का। हाँ। तो सुल्तानपुर में है और व्लॉग नहीं शूट हो सका, उसके कई सारे कारण है। सारे कारण तो आयुष जी बताएंगे, लेकिन इस पूरी बातचीत का अलग मतलब भी है कि हम लोग फेस क्या करते रहे हैं पिछले दो चार दिनों में। श्रावस्ती बहराइच आपने देख लिया, अब हम आपको बताएंगे कि हम लोग बलरामपुर भी गए थे, फिर हम लोग गए थे गोंडा। बलरामपुर में हमने बातचीत की कुछ चीज़ों, बलरामपुर में क्या क्या किया था गुरु? सुबह MLK कॉलेज बलरामपुर में था क्या? MLK कॉलेज कहाँ पे था? बलरामपुर में था MLK कॉलेज। बलरामपुर में था MLK। और यार वहाँ पे क्या लौंडे लोग, तो लौंडे मिले? हाँ। क्या नहीं, नहीं केवल लौंडे ही नहीं मिले, लड़कियाँ भी मिली। लड़कियाँ थी? और मतलब यार वो कॉलेज जो था, उस कॉलेज की एक जो कहानी है वो ये है कि वहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है, जैसे आप MSc MA करते हो, उसके बाद नेट वगैरह देते हो या गेट वगैरह देते हो, तो उस कॉलेज में बच्चों के लिए रिमेडियल क्लासेस चलाए जा रहे हैं। रिमेडियल क्लासेस मतलब क्लास ख़त्म हुई उसके बाद कंपटीशन वाली पढ़ाई की जा रही है, और विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिसोर्स स्पेंडिंग, वो पढ़ाया जा रहा है उसी कॉलेज में उनको। और उसी कॉलेज में हमें दो तीन लड़के मिले जिन्होंने उंगलियों पे गिनवाया कि हमें ये मिल जाएगा तो हम चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, उन्होंने क्या क्या चाहिए, मिल जाएगा तो हम ये लड़ेंगे। हाँ। क्या क्या था उसमें? उसमें था एक फॉर्चुनर हाँ। एक थार, हाँ। दो गनर, हाँ। एक तमंचा, हाँ। और चार पांच लड़ने साथ में घूमने वाले, और ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, और वो लड़के जो है सीधे अगर नेता बन जाएंगे तो ड्रेस कोड होगा, नेता बन जाएंगे तो कुर्ता पजामा पहनेंगे ना, कि हाँ, कुर्ता पजामा चाहिए। हाँ, छासे का चुनाव लड़ने के लिए इतना चाहिए, और हाँ। पिस्टल कहें चाहिए, और पिस्टल रखने का जो तर्क उन्होंने दिया है सीरियसली, हाँ। वो तर्क आपको वहाँ पे जो वीडियो शूट किया हमने उसमें मिलेगा आपको। और मजेदार ये था कि उसमें एक व्यक्ति जो था वो उसने बोला कि उसको कपल से बड़ी नाराजगी थी उसको, सच में उसको जो युगल होते हैं, प्रेमी युगल होते हैं, चौराहा बताया था उसने। नहीं नहीं चौराहा है नहीं, उन्होंने खुद कपड़े बनाए, वही क्या नाम बताया था, मजनू चौराहा कह रहा है मेरे को मजनू चौराहा बंद करना है, अगर मैं शासन अध्यक्ष बन गया तो मजनू चौराहा बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। और मजनू चौराहा बंद करने का क्या बोला, क्योंकि मैं सिंगल हूँ इसलिए किसी का और प्रेम पनपने नहीं दूंगा, ये वो का क्रांति बुतर आया था भाई। फिर उसके बाद हम लोग घूमा घामा गया, कहाँ गए थे फिर? बलरामपुर के बाद तो एक नहीं नहीं, आयुष जी एक मिसइंफॉर्मेशन का भी शिकार हुए थे शायद, बताते हैं क्या हुआ था गुरु? देवी पाटन मंदिर है वहाँ पे, अच्छा, बलरामपुर में, जिसके नाम पे पूरे मंडल का नाम पड़ा है, देवी पाटन मंडल। तो वहाँ गए कि कवर करेंगे, और मुझे अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि इन्हें कुछ ऑफिस का काम था, तो मैं गया वहाँ पे। जो महंत थे वो बिजी थे थोड़े से, ये गोरखनाथ मठ के अंतर्गत आता है ये वाला जो देवी पाटन, नहीं मठ के अंदर आता है कि वही धाम ही है पूरा? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसका जो कारभार है उसके अंडर आता है। तो वो जो महंत थे वो बिजी थे, तो हुआ ये कि एक पुजारी जी हमें पूरा मंदिर घुमाएंगे, एक जन यूजुअली हमारे साथ होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है, यहाँ ये है, वहाँ वो है, क्या कहानी है, और उससे जुड़े जो भी किस्से हैं। तो उन्होंने मंदिर से जुड़ी तो जो भी चीज़ें बताई पौराणिक वो बताई, और साथ में बता दिया एक मज़ार का, और वो कुछ ऐसा बताया कि बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा था, तो दूसरे धर्म के लिए थोड़ा सा अपमानजनक हो जाएगा कुछ लोग,
हर्ट भी हो सकते हैं, तो हमने सोचा यार इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो जब आप लोग नहीं वहाँ पे घेरा बना के गदा मुदव्वल चल रहा था वहाँ पे, कहाँ पे बलरामपुर में चौराहे पे गदा मुदव्वल, क्या गदा मुदव्वल ही तो था एकदम, होता क्या गदा मुदव्वल, मतलब कुछ नहीं, ऐसी एक नया शब्द हम बनाए हैं, नया शब्द बनाए हो। अच्छा गदा मुदव्वल मतलब हो, मतलब गदा मुदव्वल से मेरा मतलब कर, मतलब मेरे बनारसी में कहते हैं कबाहट, सिरदर्द, हाँ तो मतलब वो उस समय आयुष ने फ्रैक्चर कर लिया लगे हाथ, हमारे यहाँ कहते निपोर, निपोर हाँ बड़ी निपोर बन गई थी। अच्छा हमारे यहाँ तो ऐसे जो दांत खोले उसको कहते हैं निपोरना, दांत निपोरना भी होता है, क्या निपोरा हाट चल रही है, या गाँव या दांत चियार दिए, हाँ चियार दिए दांत इधर देख तो आयुष ने फैक्ट चेक भी कर लिया। वहाँ पे स्थानीय कुछ लोगों से मैंने पूछा यार वो वहाँ पे ऐसा बता रहे थे पुजारी जी, ऐसा है क्या? उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मजार में चले जाते तो आपको उल्टा एक वर्जन मिल जाता। तो मैंने सोचा कुछ पत्रकारों से भी पूछ लूँ, उनसे भी पूछा, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि वो वीडियो फिर नहीं जाना चाहिए ऐसे। हाँ मतलब हमको लगता है कि आधी इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन क्यों ही कन्वे करें, जैसे हम लोगों की एक समस्या, ये भी एक इस समस्या को वेरीफाई करने वाली जो एक चीज़ है उसका हमने एक और जगह एक ये नमूना देखा गोंडा जनपद में। हमें एक खबर मिली कि एक गांव है जहां से सड़क कहीं नहीं जाती है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है उस गांव के, लोग रेलवे लाइन बनी हुई है और पैदल चल चलते रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं और तब आना जाना करते हैं। और फिर भाई पहुँचे, गोंडा का एक व्यक्ति हमारे साथ था, इसने कहा कि सर हम आपको उस गाँव लेके जाएंगे, और वो व्यक्ति हर चीज़ में निष्णात था, फ़ोन से लेके टीवी सीरीज तक वो उस व्यक्ति को जानकारी थी। और लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि ये इस गांव में सड़क नहीं है। फिर हमको उसी समय लग गया कि यार इसको सोचना चाहिए एक बार, मुझे लगा वेरीफाई करें पहले इसको, क्योंकि ये गांव है, गांव की सड़क जरूरी थोड़े कि एक गांव के घुसने का रास्ता एक, बीच में दो तीन लोगों से पूछ भी रहे थे ना हम लोग कि वहां जाने का रास्ता कहां, वो बता रहे कि यहां से नहीं आगे आगे से पूरी गाड़ी जाएगी आपकी। तो फिर हमको पता चला कि भाई साल डेढ़ साल पहले अंडर पास और रास्ता सब बनवा दिया गया था वहाँ पे, और कनेक्टिविटी हो गई थी काफ़ी साल डेढ़ साल पहले, जो भी समय था मुझे समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी है अभी। फिर मुझे पता चला कई सारे लोगों ने वेरीफाई भी किया इसको, और जेरी भी कोई गांव देखे थे जहां पे बता रहे थे कुछ देर पहले कि जहां पे पूरे गांव में एंट्रेंस करने की जगह थी, कहां पे था वो? वो हम लोग वहाँ गए थे मलिहाबाद, लखनऊ से आगे एक गांव था। अच्छा तो बड़ा हाईटेक टाइप का गांव था, तो वो जो पूर्व प्रधानपति थे उस वहाँ के, वो हमें बता रहे थे कि ऐसे रिंग रोड टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है ना बड़े बड़े शहरों में, कि बाईपास होके पूरा ऐसे गोल चक्कर मारा जा सकता है, तो उनका ऐसा था कि आप पूरे गांव से ऐसे गाड़ी घुमा के ला सकते हैं और यहीं खड़ी हो जाएगी। वो अच्छा नाली वाली की व्यवस्था बता रहे थे, तो ये एक बाइनरी मैं बता रहा था। तो ये रियासत जो है हसनपुर की, ये यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा है, और ये इन लोगों ने इस पूरी रियासत ने 1857 की जो क्रांति हुई थी, कहानी ये है कि 1857 की क्रांति में इन लोगों ने जिस समय उस समय लगभग अधिकतर रियासतें देश की अंग्रेज़ों के साथ खड़ी थी, और उस समय इस रियासत ने विद्रोह किया था, लड़ाई वड़ाई लड़ी थी। अच्छा अब कहानी और जो पूरी कहानी है कि इनके पास कितनी ज़मीन बची यहाँ के राजा साहब के पास, राजा कैसे हैं वो बड़ी रोचक कहानी है, वो हम लोग अभी देखेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। अब और क्या है इसमें बताने के लिए, हम लोग सोचे हुए थे लड़ाई झगड़ा बलराम, लड़ाई झगड़ा गोंडा का भी यार, गोंडा वाला तो यार एकदम कतल था, दो हिस्सों में है वो, गैंग्स ऑफ बलरामपुर 1, गैंग्स ऑफ बलरामपुर 2, जो शाम की कहानी। नहीं मैं जेरी का ड्रोन शॉट, जेरी के ड्रोन शॉट के बारे में कहानी बता दो। और होता क्या है कि ये बहस होती है तो हम लोगों का वो होता है कि भाई मेरा ये रहता है कि मैं माइक कैमरा लेके अंदर हूँ और मुझे पता नहीं चलता है कि जो माइक के सामने है, मुझे पता है कि उसकी आवाज़ सुननी है और फिर मुझे काउंटर लेना है, सवाल पूछना है, किसी ने कोई दावा किया उसको क्लियरिफाई करना है। और फिर मेरा ये रहता है कि जेरी जो रहते हैं उनकी लाइट जिधर से आती रहती है, मुझे पता है कि जेरी इधर है, और कहीं कुछ मुझे देखते रहना पड़ता है कि जेरी ठीक है, इनको जगह मिल रही है कि नहीं, क्योंकि मेरा एक हाथ लम से माइक से फ्री रहता है तो इनके दोनों हाथ कैमरे पर रहते हैं, और कैमरे के नीचे ये एक लाठी लगाए रहते हैं, क्या होता है यार वो, मोनोपोड लाठी, मोनोपोड मोनोपोट बॉड पॉड मोनोपॉड मोनोपद मोनो मोनोपद एकल पद इनके कैमरे के नीचे लगा रहता है, त्रिपद भी है इनके पास, त्रिपद भी है तुम्हारे पास, तो एकल पद के साथ ये शूट करते रहते हैं और एकल पद को अपने हैंडल करते रहते हैं कैमरा भी। तो भाई उसमें ना गुत्थम गुत्था शुरू हो गया, और मतलब उसमें एक पत्रकार आया और उसमें से लोग बोल रहे थे आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं, आप नेता से बात कर रहे हैं, नेता बोला है पब्लिक से बात कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं।
उसमें एक पत्रकार आया, ऐसा है सुनिए सुनिए मैं बताता हूँ, वो एकदम ऐसा ही आया था और वहाँ पे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, पीछे से कोई चिल्लाया आ रहा है या इस पार्टी के जिला महासचिव हैं, जिला नगर नगर वो है नगर मंत्री है कुछ सा ऐसा ही पार्टी के नगर अध्यक्ष। अरे भाई साहब, और पत्रकार भाई अब क्लैरिफाई कर रहा है कि मैं कैसे दोनों को मेंटेन करता हूँ। मैंने पूछा कि आप खबर वबर लिखते होंगे, तो खबर के लोग सोचते हैं अरे यार ये तो भाजपा के नेता भी हैं, खबर का कैसे जजमेंट होता है आपके या इस पार्टी के नेता कैसे जजमेंट होता है? नहीं नहीं मैं मैनेज करता हूँ, मैं सही करता हूँ, मैं मुझे लोग पता है, मुझे जो जानते हैं नेता है वो जानते हैं नेता है, जो मानते हैं पत्रकार है वो मानते हैं पत्रकार है। हाँ, अरे वो गजब के तर्क दे रहा था, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी। हाँ, वो वैसे वाले तर्क दे रहा था और वो मतलब उसका जब पता चला है कि वो नेता भी है तो उसका जो रिएक्शन है और उसने जो सफाई दी है वो देखने लायक, वो वीडियो आ रहा होगा लल्लन टॉप पे, आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा भाई और हम लोगों को मिले कुछ आम नागरिक जो आते थे ये कहते हुए कि आप आम नागरिकों से बात नहीं कर रहे हैं, हम बोले अरे आओ भाई आओ, और आते थे और पीछे से कोई चिल्लाता था अरे ये उसके नगर अध्यक्ष हैं। हाँ, और मतलब मुझे लोगों की जानकारी देख के इतना इतना अच्छा लगता था कि कोई कोई किसी की पोल खोल दे रहा है, अरे ये वो नेता है, ये इसके नेता, वो वहाँ के अध्यक्ष है, मैंने भाई साहब क्या है। और फिर हुआ क्या कि एक जगह हम लोग को एक और व्यक्ति मिले जो बोले कि मैं भी आम नागरिक हूँ, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, आप बायस हो चुके हैं, अलेलंट आप बायस है, आप बायस है। मैंने बोला भाई क्या बात नहीं बताओ, हमको तो लोग खाने दौड़ जाते हैं। हाँ, तो उसने बताया देखिए मेरा ये पत्रकार भी शेयर करते हैं, ये नेता भी हमको फॉलो करते हैं, ये रिपीट ये शेयर करते हैं, मेरा लिखा हुआ यहाँ यहाँ छपाया। हमने भाई तुम आम नागरिक बता रहे हो अपने आप को, इतना तो प्रसिद्धि बहुत सी समय में मिलता है। हाँ, अरे ये अरे बोले बोले भाई तो है रे है अपना। तो मतलब बताने का मकसद ये हुआ कि इतने सारे हमारे पास इतने सारे आरोप हैं हम पे कि हम इनसे बात करते हैं तो उनसे नहीं करते, एक से बात करते हैं दूसरे से नहीं करते। भरोसा बनाए रखिए लल्लन टॉप पे, लल्लन टॉप ने ये तो कभी ही नहीं किया कि किसी को किसी के साथ खड़ा दिखाई दिया, लल्लन टॉप कभी किसी के साथ नहीं खड़ा दिखाई दिया। लल्लन टॉप ने सबसे सवाल पूछा है, आप पार्टी से जुड़े हैं तो पार्टी वालों से पार्टी का सवाल पूछा जाएगा, आप सरकार से जुड़े हैं तो सरकार से सरकार का सवाल पूछा जाएगा, और आप आम नागरिक हैं तो आपसे बतौर नागरिक आपकी जिम्मेदारी से जुड़ा भी सवाल पूछा जाएगा कि आपने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई है। जेरी जी का ड्रोन शॉट, और जेरी जी को जब हम लोग मैनेज कर रहे थे, जेरी जी को मैं लाइट फॉलो कर रहा था, एक समय लाइट आई वो आसमान से आ रही थी लाइट, तो लगा था कि आकाशवाणी हुई है, मिस्टर बीन जैसे गिरता था ऊपर लाइट गिरती थी पहले, तो लाइट गिरी हुई है और मुझे दिखाई दिया कि जेरी जी सिंघम के अच्छा क्या सिंघम कौन हीरो है, अजय देवगन बने हैं, दो कार के ऊपर पहुँचे गए अपना वो एकल पद लेकर, दो कार के ऊपर खड़े हैं बोनट के पास पहिए पे, पहिए पे खड़े हैं और अपना एकल पद लेके टांग चुके हैं कैमरा ऐसे और ऊपर हवा में कैमरा, भाई सब वहाँ से शॉट ले रहा है। और फिर उधर से ये बोला हाँ आप करिए अब आप बात करिए। अरे भाई वहाँ से हमको ट्रोल कर रहा था ये, वहाँ से हमको हमारा मजाक उड़ा रहा है। अरे ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा घेरा है उसमें ये बीच में बात कर रहे हैं उसके हैं, और इधर से साइड से ना लोग साइड से लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें दिखाओ, लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें दिखाओ। तो मैं क्या करता था, वैसे कैमरा धीरे से उनकी तरफ घुमा देता था, और ना से जैसे नहीं तो मैच देख रहे थे तो एकदम से कैमरा आया था बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं, हाँ, गुटो तो, वाला भाई आ गया था ऐसे। तो वो लोग ऐसे हाथ हाथ हिला रहे, मैंने कहा ओ बस बहुत मजा आ रहा है, यही बीच में हम लोगों का भी आया था, हम लोग साइड में खड़े हुए थे तो कैमरा आ जाता था, हम लोग ऐसे करते, हाँ तुम भी कर रहे थे, ये लल्लन टॉप कोई कैमरे को ट्रोल कर रहा है। तो ये था चेरी का, ऐसे नहीं मतलब ऐसे फूल और कांटे का एक सीन है, अजय देवगन ऐसे आता है दो गाड़ियों के ऊपर, वॉन डैम का भी है, वॉन डैम हाँ जो भी वो भी था एक, तो ये चेरी को मुश्किलों का सामना कर, भाई तेरी जॉब तो बहुत मस्त है, तू तो घूमता रहता है। ऐसा कहने वाले लोगों को वो फोटो देखनी चाहिए। एक और लास्ट चीज, जाते जाते हम लोग कल कुछ किन्नर समुदाय के लोगों से मिले थे, समुदाय बोलना ठीक होगा क्या? हाँ, अच्छा, तो हम लोगों की ये चिंता होती है कि मेल फीमेल रिप्रेजेंटेशन बराबर बना रहे, तो हमने सोचा कि इसकी तो चिंता हम करते हैं तो ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं वो भी आए। हम लोगों ने बड़ी कोशिश करी, फिर मैं और जेरी एक जगह पता करके घर में गए,
तो पहले तो हम लोगों को भगा दिया, लेकिन फिर कुछ स्थानीय वहाँ के बच्चे थे लोकल, उनकी कुछ जान पहचान थी, तो वो हमें लेके गए कि ये चैनल से आए हैं, इनसे बात कर लीजिए। फिर वो आए, वहाँ बातचीत हुई, लेकिन कुछ वो नाराज़ हो गई थी। हैं, किस बात से नाराज़ हो गई थी वो? यार मतलब एक सवाल था कि तुम्हारा कि क्या नाम है, लोग ऐसा कहते हैं कि दो भगवान ने दो हाथ दिए तो पैर दिए, तो आप लोग काम क्यों नहीं करते हैं? हाँ तो नहीं, वो हाँ, तो था हाँ। फिर उन्होंने कहा कि यार हम लोग करना चाहते हैं लेकिन कोई हमें काम नहीं देता है ना। तो फिर ये हुआ, फिर एक पता नहीं कहाँ से वो मोदी जी का कुछ आया है, और फिर वो उस पर पता नहीं क्यों भड़क गई हाँ। वो शायद आपको वीडियो देख के आप समझ पाएंगे। तो मैं तो एकदम ऐसे भाई ऐसे बैकफुट पे चला गया था कि क्या बात करनी है नहीं करनी है। उन्होंने कहा बंद करो कैमरा वैमरा, माइक आइक अपना निकलो यहाँ से। वो धड़ाधड़ गालियाँ वालियाँ देने लग गई, तो मुझे लगा कि अभी क्या किया जाए। लेकिन उनमें से एक समझदार महिला थी, उनको पता था कि हम उनकी ही दुख तकलीफ समझने आए हैं, हम सरकार की तरफ से नहीं आए हैं। तो फिर वो थोड़ी देर उनने और हमसे बात करी, और उनने अपनी व्यथा बताई जो उन लोगों को फेस करना पड़ता है, और जो हम लोग मतलब आम लोग ऐसे चलते फिरते नहीं तंज मार देते हैं कि हाँ इनका तो ये है या इनका यही एक जरिया है पैसा कमाने का, तो उसके पीछे कई कारण हैं। इतना इनसेंसिटिव हम लोगों को नहीं होना चाहिए। और ये एक कोशिश और करेंगे, एक कोशिश हाँ बिल्कुल, हम लोग और जगहों पर भी कोशिश करेंगे कि सब लोगों से बात करें और देखें कि किन बातों पर वो ट्रिगर ना हो जाएं। वो दरअसल मैंने उनसे ये कहा था कि वो गालियां देने लगी थी, तो मैंने कहा था कि बिना इसके आलोचना करिए आप, वो सब सुनी जाएगी, लेकिन इसमें ये हम दिखा नहीं सकते इस तरीके का। तो उस पर वो चली गई, तो फिर बंद करो निकलो अब यहाँ से, ये हो गया था। तो और जगहों पे हम लोग कोशिश करेंगे, अलग अलग समुदाय के लोग, सभी का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ थैंक यू। ये कटे क्लोजिंग दे दी। चलिए अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, और जगह की सैर की बातों से कराते रहेंगे। शुक्रिया, बाय।